नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदर अपडेट के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और जानेंगे कि आज के मौसम का हाल कैसा देखने को मिल रहा है, क्या तापमान रह सकता है आज और कहीं पे बारिश की संभावना है या नहीं है, और दिल्ली में जो ठंड बढ़ रही है उसकी पीछे के कारण क्या क्या है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे इस बुलेटिन के अंदर। तो पहाड़ी राज्यों में शुमार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी के चलते दिल्ली NCR में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। बढ़ती ठंड का ही असर है कि लोगों ने कंबल, रजाई, स्वेटर और जैकेट निकाल लिए हैं। गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा समेत NCR के शहरों में लोगों ने इनका इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है। बृहस्पतिवार को दिल्ली NCR में लोगों ने जोरदार ठंड महसूस करी। ज़्यादातर लोग मॉर्निंग वॉक से परहेज करते दिखे। इसी के साथ जो निकले भी थे वह भी पूरी एहतियात के साथ निकलते नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी हवा के साथ पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी को ठंडक भी दिल्ली पहुंचा रही है, इसीलिए ठंड में लगातार इजाफा हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार सुबह तो ठंड है और दिन भर आसमान साफ रहेगा। हालांकि दिल्ली NCR में कई जगहों पर सुबह के समय हल्की धुंध भी नजर आई। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग का ये भी कहना है कि उत्तर पश्चिम से आ रही ठंडी हवाओं के कारण दिल्ली NCR के तापमान में गिरावट आएगी। न्यूनतम तापमान अभी 14 डिग्री सेल्सियस है, जो 1 नवंबर को 13 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। खास तौर से बुधवार शाम से ही ठंड बढ़ने लगी थी। इसके चलते दिल्ली NCR में लोगों को रात को पंखे बंद करने पड़े और बढ़ती ठंड के चलते लोगों को रजाई और कंबल का सहारा लेना पड़ा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो ठंड का बढ़ना जारी रहेगा। ऐसे में लोग ठंड के प्रति लापरवाही दिखाने से बचे, गर्म कपड़े पहने ताकि बदलते मौसम का शिकार होने से भी बचा जा सके। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की ठंडक दिल्ली में लगातार ठंडा बढ़ रहा ही है। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से भी नीचे आ गया है। बुधवार को इस सीजन का सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ था। ठंड में इजाफे का दौर यूं ही जारी रहने की संभावना है। बुधवार सुबह दिल्ली में इस सीजन में पहली बार अच्छी ठंडक का एहसास हुआ। पार्क में सैर के लिए जाने वालों को खास तौर पर ठंड लगी। हालांकि दिन में धूप खिली रही और दिन भर आसमान भी साफ रहा था। अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 28.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सामान्य से 2 डिग्री कम 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, और हवा में नमी का स्तर 41 से 94% रहा था। तो यानी कि पहाड़ों में जो बर्फबारी हो रही है उसकी हवाएं दिल्ली में आ रही हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की ठंड और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दिल्ली की ठंड में लगातार इजाफा हो रहा है और आने वाले दिनों में ये जो ठंड है वो और ज़्यादा बढ़ती नज़र आ सकती है, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी जारी रहेगी। तो फिलहाल हमारी वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।